जब से वंदे भारत ट्रेन को भारत में शुरू किया गया है तब से ही उसके साथ कोई ना कोई घटनाएं घट ही जाती है। कभी गाय टकरा जाती है तो कभी कोई महिला, तो कभी पथराव होने लगता है। और ऐसी ही एक घटना विशाखापट्टनम से भी सामने आई है। इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पंजाब केसरी को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में बुधवार को एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने की घटना सामने आई है। इस पथराव के कारण C8 कोच की एक खिड़की का शीशा टूट गया। इसकी वजह से विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को निर्धारित प्रस्थान यानी 6:45 से लेकर 9:45 पर पुनर्निर्धारित किया गया। बता दें कि ये पहली घटना नहीं है। विशाखापट्टनम सिकंदराबाद एक्सप्रेस वे पर पहले भी पिछले 3 महीनों में तीसरी बार पथराव करने की ये घटना सामने आई है। इससे पहले जनवरी में रखरखाव के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी। DRM के मुताबिक विशाखापट्टनम के कांचरा पलेम के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सत्तपी ने बताया कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई और RPF के द्वारा उन पर नजर भी बनाई गई। CCTV फुटेज खंगाले जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटना में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कंचार पालेम में कोच परिसर के पास खेल रहे कुछ युवाओं ने शरारत में ट्रेन के एक डिब्बे पर पथराव कर दिया, जिससे उसकी एक खिड़की का शीशा टूट गया। विशाखापट्टनम पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर इलाके से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। खैर, ऐसे मामले कई बार सामने आते रहते हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन पर जिस तरीके से लगातार पथराव किया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।